के आरोन में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक को गांव का ही दूसरा युवक अपने साथ बाइक पर ले गया और उसकी हत्या कर दी। मामला दशहरे के दिन का है, लेकिन खुलासा अब हुआ है, युवक का शव अभी तक नहीं मिला है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि हत्या के बाद शव को काट कर उसने सिंध नदी में फेंक दिया था। युवक अपने गांव के दूसरे युवक को बाइक पर बैठा कर ले गया, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को टुकड़े कर बोरे में भरे और नदी में फेंक दिया। पुलिस को नदी से अब तक बॉडी नहीं मिल सकी। आरोन के क्षेत्रपाल गांव का रहने वाला सुनील अहिरवार 5 अक्टूबर से गायब था। उसके भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस तभी से तलाश कर रही थी। परिवार वालों ने गांव के एक युवक पर शंका जाहिर की थी। इस आधार पर पुलिस ने गांव के ही शिव कुमार को 15 अक्टूबर को हिरासत में लिया था। पूछताछ में उसने जो बताया कि उसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। आरोपी शिव कुमार ने पुलिस को बताया, दशहरे का दिन था, मैं सुनील को बाइक पर बैठा कर साथ में ले गया था। हम दोनों गांव के ही पास सिंध नदी के किनारे पहुंचे थे। मैंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मैं वहां से भाग निकला। 3-4 दिन बाद जब मैं उसी जगह पहुंचा तो सुनील की बॉडी डिंगपोस्ट होना शुरू हो गई थी। मैंने उसकी बॉडी के टुकड़े किए, इसके बाद उन टुकड़ों को बोरे में भरा और नदी में फेंक दिया। दारू पी रखी थी, हत्या मैंने नहीं करी। नदिया में गिरने पानी में गिरवे उठवे से दारू गांजा कच्ची दारू पी रखी थी। कोई दुश्मनी कोई विवाद कछु भी नहीं। दारू के कारण मर गया था, तो इधर उधर पर केस लगने